हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? सैर मलक की दुनिया में आपका वेलकम हो। आज मैंने व्लॉग इसलिए बनाया था कि आज बहुत ज़्यादा अच्छा स्पेशल डे है, क्योंकि आज मेरी नेशनल असेंबली का लास्ट डे है और मेरे जी आज उसका इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो मेरे साथ चलिए आप भी, और जाके हम सर्टिफिकेट लेकर आते हैं मिलके, और मिलके ही आप सेलिब्रेट करेंगे बाद में। ओके गाइज, मैं पूरी तरह से रेडी हो गई थी और ये मैंने बहुत देर बाद ये ड्रेस पहना है। ये असल में मैंने पहली बार ही पहना है ड्रेस, तो आज मैंने सोचा था कि आज मैं जा रही हूँ, लास्ट डे है, तो आज मैं सही बन से भर के जाऊँगी और मैं आपको वहाँ जाके मैं अपने फुल ड्रेस दिखाऊँगी। और मेरे साथ ही रहिएगा। अभी आपको मैं अपनी स्ट्रगल्स दिखाऊँगी कि मैं रास्ते में जाती कैसे थी और आगे कैसे पहुँचती थी, और सारा मतलब कि नेशनल असेंबली का टूर भी आपको करवाऊँगी, तो मेरे साथ रहिएगा। ड्रेस है और ये मैंने शूज लिए थे, पता नहीं स्टाइलो से, और ये हमने यहाँ से लिया था रबी मार्केट से, प्लाजा से, और ये बैग बहुत पुराना इस्तेमाल कर रहे थे, तो हमने ये पेयर अप किया है। गाइस मेरे साथ रहिएगा, अब हम रिक्शे का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो हमें मेट्रो तक छोड़े। ढूंढते हैं रिक्शा। गाइस फिर हमको रिक्शा मिल गया है, मैं बैठी हुई हूँ, ऐसा खराब है। सभी हम मेट्रो से वापस आ चुके हैं, वापस हमें पैदल जाना है नेशनल असेंबली की तरफ। और देखिए व्यू कितना प्यारा है। ये मैं एंटर हो चुकी हूँ और देखें सारा अच्छा व्यू है, और यहाँ से सारा कुछ एंट्री वगैरह होती है और वहाँ पे पार्किंग हो। अभी हम लिफ्ट में हैं और हम सेकंड फ्लोर पे जाएंगे। सारा इस तरह से आ रहा और देखिए रास्ते में एक तरह का बैठने की सीटिंग प्लेस आती है आउटडोर, और ये बहुत ही प्यारी है। आप यहाँ पे बहुत अच्छी पिक्स क्लिक कर सकते हो। गाइस देखें, फिर मैं ये वाला जो हमारा ऑफिस था जहाँ पे मैं टेरेस लगाने आती थी, और ये कितना अच्छा व्यू है देखें। और मुझे मेरा मिल गया है, मैं आपको व्लॉग के एंड पे दिखाऊंगी जो मेरा सर्टिफिकेट है और स्पीकर का रूम है। तो अभी हम जा रहे हैं मेरे ऑफिस में जहाँ पे जाके मैं अपना काम करती थी। तो यहाँ पे मैं आके बैठ गई हूँ आपको दिखाने के लिए अपना क्या कहते हैं सर्टिफिकेट जो मुझे मिला है, तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। जैसे कि आपको पता है नेशनल असेंबली एक तरह की ना भूल भुलैया है, और इसलिए मैं क्या करती थी, जब भी आती थी तो मुझे ये क्या कहते हैं ये जो पेंटिंग है उसे पता चल जाता था कि मैंने ये वाली स्टेज से ऊपर जाना है, राइट साइड पे फौरन मेरा ऑफिस आ जाएगा जो कि एक कैंबिन सा है। अभी उनको मतलब कि उन्होंने ज़्यादा किया नहीं, और साथ में देखें ये बाहर जाते हैं और ये बाहर का व्यू आ जाता है सारा। गाइस अभी मैं आ गई थी ये अपनी क्या कहते हैं सर्टिफिकेट लेके, और सर से मिल के, सर के साथ पिक्स खिंचवाई हैं, और फिर अभी मैं देख रही थी कि आपको भी ये दिखा दूं कि बाहर का हमारे ऑफिस के बाहर का व्यू कैसा है। इस तरह से है, ये नीचे वाला जो गार्डन था वो था, और यहाँ भी बहुत धूप है। बहरहाल गाइस ये गैलरी है नेशनल असेंबली हॉल की, और यहाँ पे देखें यहाँ से कितना प्यारा व्यू आता है, सब लोग यहाँ पे बैठे होते हैं।
ये हमारे ऑफिस की बिल्कुल सामने बिल्डिंग है, तो वहाँ पे हम आते हैं और यहाँ से देखें वो सारी बिल्डिंग का व्यू आता है। हमारा ऑफिस उस तरफ है और ये सामना व्यू आता है, तो बहुत प्यारा लगता है। हमारी लाइब्रेरी एंट्रेंस और यहाँ पे सारी की सारी बुक्स होती हैं। ये सारी लाइब्रेरी है जो खाली है, काफ़ी सारी यहाँ पे ये बुक्स भी हैं और सारी लाइब्रेरी। यहाँ पर मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है गाइस, अभी खाली है पता नहीं। यहाँ पे एक जगह बहुत ही प्यारी है जहाँ पे हम पिक्स बहुत ज़्यादा लेते थे, अभी हम तो नीचे जा रहे हैं। और ये देखें सामने एक आ जाता है स्टैचू प्लेस जो है, वो बहुत प्यारी थी, तो कि शायद अभी लोग अब देख रहे हैं स्टैचू प्लेस, अभी शायद लोग हैं इसलिए मैं आपको बाहर से दिखा रही हूँ। तो वो प्राइस ये रही मेरी 6 हफ्तों की मेहनत और स्ट्रगल्स के का रिज़ल्ट। ये देखें वो, ये देखें और ये देखिए मेरी मार्क्स लिखी हुई हैं सारे और मैं बहुत खुश हूँ। तो गाइस ये था मेरे 6 हफ्तों के स्ट्रगल और मेहनत जो मैंने आके की है, और उसका मुझे जब फल मिला है तो मैं बहुत खुश हूँ। और गाइस ये देखिए इसका व्यू कितना प्यारा है, ऊपर से ये पूरा मतलब कि स्काई नज़र आता है और बहुत प्यारा व्यू है। अभी हम जाते हैं घर अपने, और घर का तो आपको पता है जैसे हम आए थे वैसे ही जाएंगे। ये फर्स्ट फ्लोर है और यहाँ से झूमर का व्यू जो है बहुत ही अच्छा आता है, और सब लोग ना जुमे के असल में अभी नमाज पढ़ रहे हैं। और ये एंट्रेंस थी गाइस, मैं यहाँ पर ही अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ घर वापस, और आपको पता है जैसे मैं आई थी वैसे ही जाऊँगी, और मैंने पहले भी बोल दिया था। चलो गाइस थैंक यू, और साहर मलिक की दुनिया को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।